प्यारे दोस्त एसएससी सीरियल का एकदम बवंडर सवाल आपके लिए करें, देखते हैं आप लगा लेते हैं कि नहीं। मैथ का सवाल है, देखिए 355 के घाते 97 गुणे 371 के घाते 102 माइनस 850 घाते 57 प्लस 616 के घाते 270 का यूनिट डिजिट आपको बताना है, इकाई का अंक बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए जब कभी भी स्टूडेंट इस सवाल को एग्जाम में देखता है ना भाई साहब, बहुत चक्कर रह जाता है, एकदम खतरनाक तरीके से डर जाता है। अब पूछा है इकाई का अंक और निकालने लगेगा, पूरा गुणा करेगा, 355 के घाते 97 में निकालने चले जाएगा, कह के जाएगा उतना बड़ी छोड़ के आगे बढ़े, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत सरल है, एकदम सरल है, एकदम सरल। यूनिट डिजिट पूछा है मतलब इकाई का अंक पूछा है, तो हमें इकाई के अंक सही काम करना है बस, और कुछ नहीं। एक चीज याद कर लो, यहाँ पर एक नोट है, 0, 1 और 5 और 6, जब कभी भी किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 हो, यदि इनके ऊपर कोई भी घात आप लगाइए, कोई भी घात, यन घात, कोई भी घात लगाएंगे तो गुणा करने पर वही संख्या आएगी। 0 का आप घात लगाएंगे तो वही संख्या आएगी, जैसे 10 का हम मतलब 10 के घात 1 होता है, 10 ही होता है इकाई का अंक, 1 0 ही आया। 10 के घात 2 करेंगे 100 होगा, इकाई का अंक क्या, 0 ही आया। 1 का करते हैं तो 21 लेते हैं, 21 का हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा आप बता दें, तो 441 में भी इकाई का अंक क्या है, 1 ही है। अब आगे ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो 5 है या तो 5 कर लेते हैं, 5 घात 3 करते हैं तो 125 होगा, 125 के घात क्या है, इकाई का अंक क्या है, 5 ही है। 6 के करते हैं 16, तो 16 का वर्क करेंगे 256 होता है, 256 में भी इकाई का अंक क्या है, 6 ही है। 0, 1, 5, 6 के ऊपर कोई भी घात होगी तो वह संख्या गुणा करने पर वही संख्या आएगी, क्या वही संख्या आएगी। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 है तो 5 है, 1 है 1 है, 0 है 0 है, 6 है 6, बस और कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे लगाते हैं, हमें इकाई के अंक का काम, हमें इकाई का अंक निकाला तो इकाई के अंक से ही हम काम करेंगे। यहाँ पर 5 है, कुछ भी घात होगी, यहाँ 97 कौन हो, 1,000, 1,00,000 घात होगी तब पर भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर 5 लिखते हैं, जो साइन है वही लिखेंगे, पूरे 5 गुणे करते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 के घात है कुछ करें यार, 1 ही है क्या, 1 ही आएगा, 1 है यहाँ माइनस करेंगे। अब 0 है, हमने आपको बताया 0 का कोई भी वर्ग मतलब 0 के ऊपर कोई भी घात लगाएंगे तो अंत में क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 लिखते हैं प्लस, हमें आपको 6 के बारे में आएगा, इसी को हल कर लेते हैं। 5 के नाम में 5 क्या, 5 का नाम 5 माइनस 0 प्लस 6 क्या, प्लस 6 प्लस 5 है और प्लस 6, इसको जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 11 ही आएगा। इसका इकाई का अंक क्या है, 1 आएगा, 1 है, तो बस यही हो गया, 1 आपका सही आंसर हो गया। हम 0, 156 आपको याद कर लेना है बस और कुछ नहीं, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।